हाय व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट खुर्रम खान और आप देख रहे हैं रियल पाकिस्तान चैनल। आज हम लग्जरी के स्टूडियो में मौजूद हैं और आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे एक ऐसे सिंगर से जिन्होंने बहुत कम अरसे में सिंगिंग की फील्ड में बड़ा अच्छा नाम बनाया है और वो इस काविश को लेके चल रहे हैं। और अजर हैं हमारे साथ, आज हम इनसे कुछ गपशप करेंगे और इनसे कुछ इनके ही गाए हुए कुछ सॉन्ग्स भी सुनेंगे। कैसे हैं अजर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, बताएं कैसे हैं? फाइन, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं, क्या हो रहा है? शुक्र अल्लाह पाक का, बस म्यूज़िक चल रहा है, उसके अलावा साथ में एकेडमी भी चल रही है म्यूज़िक की। अच्छा। तो न्यू कंपोजिशन जो है वो बना के दे रहे हैं, स्टूडियो में करवा के देते हैं, न्यू कमर जिनको ज़्यादा मतलब क्रेज़ होता है सॉन्ग सिंगिंग का, उनको सिखाते भी हैं, उसके सिखा के फिर उसको बाद में स्टूडियो का प्रोसेस जो होता है वो हम जाके लेके जाके उनको वो रिकॉर्ड करवाते हैं, फिर उसका वीडियो सारा वो सारा लग्जरी के साथ साथ ही है हमारा प्रोग्राम जितना भी होता है वीडियो का ऑडियो का, तो इसी तरह चल रहा है म्यूज़िक। इंशाल्लाह आपको नई चीज़ें सुनने को मिलेंगी, अन करीब आ रही है मार्केट में। अजय साहब, मैंने खुद आपकी आवाज़ सुनी, गाते तो आप बहुत अच्छा है, तो आपको ये इंस्पिरेशन कहाँ से हुई? आपने मतलब किससे इंस्पायर थे कि आपने सोचा कि मुझे भी इस फील्ड में आना चाहिए और आपने नो डाउट बहुत कम अरसे में अच्छा नाम बनाया है, और मतलब किससे इंस्पायर थे आप? लाइक मैं जो जिनको सुनता हूँ, उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब हैं, आरिफ रिज़ो साहब हैं, फिर उसके अलावा जितने भी लेजेंड गुजरे हैं जिन्होंने अच्छा काम किया उनको सुना, फिर इंस्पायरेशन बढ़ती गई, फिर उसके बाद फिर ये जुनून बढ़ता गया और म्यूज़िक चलता गया। तो उस्ताद नुसरत जी हैं, उनको मैं बहुत ज़्यादा लाइक करता हूँ, उनकी चीज़ें भी काफ़ी मैं गा चुका हूँ। अभी रिसेंटली एक गानी भी है, वो मैं आपको ज़रूर सुनाऊँगा, एक सॉन्ग आ रहा है उस्ताद जी का, मैंने कवर किया है तो ट्रिब्यूट भी उनको किया है, तो इंशाल्लाह मार्केट में आएगा, आप सुनेंगे, लुत्फ़अंदोज़ होंगे इंशाल्लाह। तो आप मूवीज़ वगैरह देखते हैं? जी मूवीज़ बहुत ही कम, हॉलीवुड बोल ज़्यादा देखता हूँ, तो देखता हूँ मगर इतनी खास नहीं। पाकिस्तानी एक्टर्स कौन से पसंद है? पाकिस्तानी एक्टर कुछ हैं, पहले थे, पहले दौर में बहुत अच्छे थे, मुनव्वर जी साहब, रंगीला, ये इन लोगों ने काफ़ी अच्छा काम किया है, क्योंकि उस दौर में इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो उस टेक्नोलॉजी हालांकि कुछ भी नहीं था लेकिन उन्होंने आर्ट में ऐसा काम किया है कि दुनिया अभी भी याद कर रखती है उनको, चाहे वो गुजर गए लेकिन आर्ट उनका अभी तक ज़िंदा है। तो रंगीला, मुनव्वर शरीफ, सुल्तान रही साहब ने भी अच्छा काम किया, वो माहौल हमारा था पंजाबी, तो ज़ाहिर उनको ऐसा काम करना पड़ा तो वो हिट रहे, लोगों ने उनको सराहा, तो पहले तो उनको ही लाइक करते। अच्छा, तो ये बताएं कि कोई आप अपनी लाइफ का कोई एक फ़नी सा कोई ऐसी बात जो आपको अब तक नहीं भूलती, वो क्या आप हमसे और नाज़रीन से शेयर करेंगे? फ़नी मुश्किल सवाल है, मुश्किल सा डिफ़िकल्ट सा सवाल है, क्योंकि मेरी प्रिपरेशन जो है वो म्यूज़िक पे थी, तो आपने थोड़ा सा हट के सवाल किया है। मेरी फ़नी जो है, मेरी लाइफ भी फ़नी है, मैं जॉकी बहुत हूँ, लाइक मतलब अगर ये थोड़ा सा बड़ा होता तो मैंने यही समझना था ये जाले लगाने वाला तो मैं मतलब म्यूज़िक को और साथ में म्यूज़िक के साथ साथ मजाक ज़रूरी है, क्योंकि ये वो चीज़ है जो आप यहाँ से गाते हैं और ये लाइफ उम्र जो है ना, उम्र को कम करती है म्यूज़िक जो है ना, आपका सुर आप जितना लगाएंगे उसकी आपकी लाइफ कम होगी, तो इसमें हंसी ज़रूरी है, हमें हंसना पड़ता है, हमें वो जिसको कहते हैं चेदा पड़ता है जी, चेदाबाजी तो सुनी होगी आपने, चेदाबाजी होती है मतलब आप 10 बंदे सिंगर्स बैठे हैं तो आपस में एक दूसरे को जुकते लगा रहे हैं, जॉकिंग कर रहे हैं, तो वो ज़रूरी है हमारे लिए, म्यूज़िक उसके बगैर नहीं होता, वो ज़रूरी। तो हाँ, व्यूवर्स को ज़्यादा वेट नहीं करवाते और हम चाहेंगे कि हमें कुछ आप अपनी आवाज़ में व्यूवर्स को सुनाएं और हम इनसे सॉन्ग सुनते हैं। जी ये मैंने अभी डिस्कस की है जो उस्ताद नुसरत जी की ये एक कंपोजिशन है, उसको मैं कवर कर रहा हूँ। यूं बज़्म में ज़िंदगी में उजाला करेंगे हम, उनको बिठा के सामने सजदा करेंगे हम, उनके दर पे पहुँचने तो पाए ये ना पूछो कि हम क्या करेंगे, उनके दर पे पहुँचने तो पाए
ये ना पूछो कि हम क्या करेंगे, उनके दर पे पहुंचने तो पाए। ये ना पूछो कि हम क्या करेंगे, सर झुकाना सर झुकाना सर झुकाना अगर जुर्म होगा, सर झुकाना अगर जुर्म होगा। हम निगाहों से सजदा करेंगे, उनके दर पे पहुंचने तो पाए। ये ना पूछो कि हम क्या करेंगे, सा सा सदा सा 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 पा दम सा 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 सदा सा 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 पा दम सा सा सदा सा 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 पा दम सा सा सदा सा 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 पा दम सा 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 नी नी दा नी दा नी दा नी दा नी नी दा नी दा नी दा नी दा नी नी दा नी दा नी दा नी दा सा सा सदा सा 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 पा दम सा सा सदा सा 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 पा दम सा 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 सा। एक तरफ अपना दामन जलेगा, एक तरफ उनकी महफिल सजेगी। एक तरफ अपना दामन जलेगा, एक तरफ उनकी महफिल सजेगी। हम अंधेरे को घर में बुलाकर, हम अंधेरे को घर में बुलाकर, उनके घर में उजाला करेंगे, उनके दर पे पहुंचने तो पाए। ये ना पूछो कि हम क्या करेंगे, सागा मगरे। एक्सीलेंट, बहुत ज़बरदस्त जी व्यूअर्स, होपफुली आपने अजर साहब का ये सॉन्ग पसंद किया होगा। और हम इस प्रोग्राम को क्लोज़ करना चाह रहे हैं, और हम अजर साहब से एक रिक्वेस्ट करेंगे कि फिर शो को क्लोज़ करते हुए इनसे सॉन्ग भी सुनेंगे, और उनसे हम एक जो है ना मैसेज भी लेंगे। और जी अजर जी, थैंक यू सो मच। एक मैशअप है, पंजाबी है उर्दू मिक्स है, तो वो मैं आप सबकी, कैमरामैन भाई और नासिर भाई सबकी, समाजों की नज़र देखने वालों की सबकी नज़र करूँगा। दस दे वे रब्बा सानू दस दे, क्यों रो पेंदे नैन जदों हस दे। दस दे वे रब्बा सानू दस दे, क्यों रो पेंदे नैन जदों हस दे। किवें सहांगे टुटे खाबां दा नुकसान, किवें सहांगे टुटे खाबां दा नुकसान। उंगलां ते रह गए छलियां दे निशान, उंगलां ते रह गए छलियां दे निशान। दस दे वे रब्बा सानू दस दे, क्यों रो पेंदे नैन जदों हस दे। नाल नाल टुरदे टुरदे साहां कट गईयां, ओदे बाजों मेरियां राहां कट गईयां। जिंदगी नू खोके जीना नहीं आसान, जिंदगी नू खोके जीना नहीं आसान। उंगलां ते रह गए छलियां दे निशान, उंगलां ते रह गए छलियां दे निशान। तूने जो ना कहा मैं वो सुनता रहा, खामखा बेवजह
ख्वाब बुनता रहा, जाने किसकी नज़र लग गई है हमें, इस शहर में ना अपना ठिकाना रहा। नारन नारन ना, नारन नारन ना, रब्बा रब्बा मेरे रब्बा रब्बा, एक झलक तो उसे के दिखा। ओ हो रब्बा रब्बा मेरे रब्बा रब्बा, एक झलक तो उसे के दिखा। दस दे वे रब्बा सानू दस दे, क्यों रो पेंदे नैन जदों हस दे। ओ हो नहीं नाज़रीन, म्यूज़िक तो काफ़ी हो चुका, अब जो है मैसेज कन्वे की बारी है। सबसे पहले म्यूज़िक के हवाले से, म्यूज़िक करने वाले लोग जितने भी हैं वो इंतहाई जो है शरीफ लोग होते हैं। ये नहीं ये थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है कि उनको पैगाम जब कहा जाता है, तो जितने भी म्यूज़िकल ग्रुप हैं या म्यूज़िक करने वाले हैं वो कभी टेररिस्ट नहीं हो सकता, वो हमेशा खुशी का पैगाम पहुंचाता है। हमने हमेशा, हम आर्टिस्ट ने हमेशा खुशी का पैगाम पहुंचाया है। हमने आज तक लड़ाई फसाद वाली कभी बात नहीं की, हमेशा खुशियां बांटी हैं। आप सब से भी गुजारिश है कि आपस में लड़ाई झगड़ा ना करें, खुशियाँ बाँटें, एक दूसरे पर उंगली ना उठाएँ, खुशियाँ बाँटें। खुशियाँ ही आपकी यहाँ पर काम आएगी और आगे आपकी वजह से कोई खुश होता है। दिल ना दुखाएं किसी का, क्योंकि दिल में खुदा बसता है। अल्लाह हाफिज़।